हेलो स्टार फैमिली, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, सभी अच्छा कर रहे होंगे, सबकी ट्रेडिंग बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सीधा टॉपिक पे आकर बात करना चाहूंगा मैं। तो कल मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पे कोटेक्स के रिलेटेड कुछ बात कर रहा था एक बंदा, तो वो देखकर मुझे बहुत ऑफेंडेड फील हुआ कि और पहला मेरे मन में तो ये आया कि ये साले मिलकर हमें सारे तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इसमें कुछ चीज़ें जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने बोला कि क्यों ना एक रिप्लाई वीडियो तो बनता है बिल्कुल इस पर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो भैया ने ये कहा कि यार कोटेक्स तो अभी 3 साल पहले ही आया है और ये हमारे जो ओलिम्प है और बायना मोए 15 साल पूरा है। सोचने वाली बात ये है कि ये लोग ने 15 साल में भी रहने के बाद इनको कोई 3 साल में यहाँ के डोमिनेट कैसे कर सकता है? तो इनमें भी कुछ लूपहोल्स होंगे, इनकी भी गलतियाँ होंगी, इनकी कुछ चीज़ें होगी जो अच्छे तरीके से काम नहीं करती, कस्टमर्स को नहीं पसंद, इसलिए लोगों ने उनका भी प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और कोटेक्स पे ज़्यादा शिफ्ट होने लग गए। हाँ, माना कि कुछ सेटबैक्स, कुछ इशूज़ है कोटेक्स में, उसके बारे में आगे बात करूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद भी सोचो। मैं सिर्फ जो बोल रहा हूँ या फिर कोई भी रैंडम आदमी आपको आके बोल रहे तो आप उसको सुनकर अपना माइंड मैनिपुलेट मत करो। तो पहले बात करते ओलिम्प ट्रेड के बारे में। तो जिन लोगों को भी नहीं पता या फिर जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन लोगों को ये पता होगा कि मैं ओलिम्प ट्रेड पर वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा रहेगा कि मैं पहले ओलिम्प ट्रेड पर सपोर्ट करा करता था, ओलिम्प ट्रेड पर ट्रेड किया करता था, ओलिम्प ट्रेड पर सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता था, उन्हें सपोर्ट वगैरह करा करता था। यहाँ पर मेरी वीडियोज दिख रही होगी कि डेप्थ और डिविएशन दोनों हमें 5 रखने, डिविएशन ऑलरेडी और उसके हिसाब से क्रॉस करने के बाद अभी भी ये ट्रेड अपवर्ड चल रहा है। यहाँ तक एक वर्सेस वीडियो बनी थी कि कोटेक्स वर्सेस ओलिम्प ट्रेड, उस वीडियो तक वो मेरे फ्रेंड के चैनल पे आई है, बहुत सारे लोग उसे जानते हो कि सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग पूरा डेटा, ये उसके चैनल पे वीडियो रही, आप व्यूज देख सकते हो। यहाँ पर मैं ओलिम्प ट्रेड को डिफेंड कर रहा था यार गाइस, मैं ओलिम्प ट्रेड की साइड ले रहा था और उनसे कोटेक्स के लिए लड़ रहा था, मैं पूरब से लड़ रहा था मेरे दोस्त से। ओके गाइस, सो अगर हम बात करें सपोर्ट के बारे में, जो ओलिम्प ट्रेड का बहुत बेहतरीन फीचर है, इनके सबके कभी पैसे अटक जाते हैं कोटेक्स में तो आपको टिकट रेस करनी पड़ती। बट एट दी एंड ऑफ द डे मुझे क्या मिला ओलिम्प की साइड से? मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, पूरब का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं आपको ईमेल के कि उन्होंने मेरा कैसे अकाउंट ब्लॉक कर दिया। और जब पूरब को ये बात अच्छी नहीं लगी, पूरब ने ओलिम्प ट्रेड के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया जहाँ पर उसने बताया कि इन लोगों ने मेरा अकाउंट बिना वजह बैन कर दिया। तो इस पे भाई वो क्या कहते हैं, द कंपनी हैज द राइट टू यूनिलैटरली टर्मिनेट इट्स अग्रीमेंट विद द क्लाइंट। और वो हुआ क्या कि वो वीडियो वायरल हो गई, और जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई इन लोगों को आग लग गई, और इन लोगों ने पूरब को प्यार से इज्जत से सॉरी बोलकर इनका पूरब का अकाउंट भी अनफ्रीज करवाया, अकाउंट अनब्लॉक करवाया। इसमें जो भी पैसे थे $700 के करीब, कुछ पैसे भी पड़े थे, वो सब अनफ्रीज कराकर पूरब को वापस दिए और बदले में बोला कि वीडियो डिलीट कर दो। तो तब जाकर उन्होंने उसको अनब्लॉक किया। अगर सपोज वो वीडियो वायरल नहीं होती जहाँ पे पूरब ने उनकी सच्चाई के बारे में बात की है तो उनको फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सोचने वाली बात आप लोगों के लिए, चलो खैर ठीक है, आज हमारा हुआ, हमने इतनी समझ थी कि हमने वीडियो वगैरह बनाकर उसको करवा दिया और हम लकीली वायरल भी चले गए, तो उन लोगों ने वीडियो देखा और उन्होंने हमारा अकाउंट अनफ्रीज करवा दिया। बट अगर आप लोग, सब लोग तो वीडियो बना नहीं सकते, अगर बना भी लोगे तो ज़रूरी नहीं है वायरल जाए या फिर लोग उसे देखें, तो वो सोचने वाली बात है बहुत कि कल को अगर आपके साथ हो तो क्या। इवन इफ यू टॉक अबाउट बायनामो के बारे में, अगर भी हम बात करें तो बायनामो भी कुछ कम नहीं है। बायनामो ने भी मेरे अकाउंट, पूरब के अकाउंट ब्लॉक किए हुए हैं। ये रहे स्क्रीनशॉट्स, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि उन्होंने हमारे विदाउट एनी रीजन हमारे अकाउंट्स ब्लॉक किए। तो चलो अब बात करते हैं डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल के बारे में, ठीक है? तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में, हाँ मैं मानता हूँ कि अभी कुछ दिनों से कोटेक्स में विड्रॉल और डिपॉजिट को लेकर थोड़ी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, बट ये बायनामो वाले तो डिपॉजिट ही नहीं देते यार। चलो सपोज आपने एक बोनस कोड ले लिया, अब आपने $50 का बोनस अगर लिया है तो ये लोग आप पे टर्नओवर लगा देते हैं, और टर्नओवर होता है उसका 40 times। मतलब अगर आपने $50 का एक बोनस लिया है तो आपको वो टर्नओवर कंप्लीट करने के लिए आपको $2000 की ट्रेड लेनी पड़ेगी गाइस। $2000 तक आपको अपना टर्नओवर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको विड्रॉल देंगे। और गाइस $2000 का ट्रेड करना, आप इतने भी प्रो नहीं है, चलो माना कि बहुत ही प्रो बंदा है उसने कर लिया, बट वो भी जब तक $2000 का ट्रेड करेगा उसका कितना टाइम जा चुका रहेगा, उसमें रिस्क कितना रहेगा, या जरूरी भी नहीं कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कोई सेंस बनाता है क्या? आप लोग खुद सोचो ना यार, $50 का बोनस ले लिया, $50 पे $2000 का टर्नओवर करने के बाद जाकर आपको विड्रॉल देते हो, तब तक के पैसे ब्लॉक। चलो मान लिया कि बोनस भी नहीं लिया यार, चलो छोड़ो बोनस को मैं काउंट ही नहीं करता, फिर भी विड्रॉल के टाइम ना आप पे अगर आपने बोनस नहीं भी लिया है ना, तो ये आगे पीछे आप पर टर्नओवर लगा ही देते कोई ना कोई चीजों को लेकर, और फिर टर्नओवर लगाने के बाद लोग बदले में उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के चक्कर में और पैसा गंवा देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो लूज कर देते हैं, अपना सारा कैपिटल ब्लो अप कर देते हैं। तो हमारे भाई प्रूफ की बातें बहुत करते हैं, तो अगर आपको भी इसका प्रूफ चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे स्क्रीनशॉट आराम से पॉज करके पढ़ लेना गाइस कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम जाती है ओलिम्प और बायनामो को लेकर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों के साथ इमोशनली खेलने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को उनके बारे में बुरा बताएंगे, आपका माइंडसेट वैसा करवाएंगे और अपने प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करवाने की कोशिश करेंगे। आप खुद सोचो ना यार, आप खुद सोचो, मैं ओलिम्प को प्रमोट क्या करता था? ओलिम्प, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल भी जाओगे तो मेरे सिग्नल्स पुराने ओलिम्प के ऊपर थे, ओलिम्प के रिलेटेड वीडियोज बना के रखी है मैंने यार,
उनके साथ वर्क करता था मैं। इनफैक्ट मैं मेरे पूरब से, मेरे दोस्त से, बचपन के दोस्त से झगड़ा कि भाई, मैं बोला नहीं, ऑलिम ट्रेड बेटर है तुम्हारे कोटेक्स से, ये सब चीज़ें, मैं उसमें भी मेरी फाइट किया मैंने। उसके चैनल पे वीडियोस है यार, कितने टाइम से आप देख सकते हो, अभी का भी नहीं है, पुराना वीडियो है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा कुछ तो रिया होगा यार। आज पूरब का भी चैनल बहुत बड़ा है, बट वो बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर भी मैं उसके उससे ऑलिम के लिए बात किया, बट एट दी एंड ऑफ द डे मुझे क्या मिला, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, ये मिला मुझे, बहुत सोचने वाली बात है। तो एक और पॉइंट ऐसा बोला गया है कि ऑलिम में कुछ अलग कैंडल बनती है और यहाँ पर कुछ अलग कैंडल मिलती है, तो उस वीडियो के ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो मेरे दोस्त पूरब लड़ा ने यहाँ पे ऑलरेडी बना के दिया है, मैं उसके लिंक आपको दे दूंगा। उसने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है, और इनफैक्ट जब ये इतना बोल रहा है ना, तो इसके ऑलिम की गलती निकली है उसमें, ऑलिम की कैंडल अलग बनी थी, कोडिस कैंडल अलग बनी थी, और हम लोग ट्रेडिंग व्यू से भी कंपेयर करके देखते हैं इसकी ओवरऑल असली मार्केट में क्या चालू है। तो एक बार प्लीज वो वीडियो देख लेना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। तो भैया जी बोल रहे थे कि सपोर्ट तो बहुत ही बकवास है, सपोर्ट बहुत समय तक रिप्लाई नहीं करता। हाँ गाइस, मैं ये चीज़ में कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि आजकल कोटेक्स का जो सपोर्ट है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, थोड़ा स्लो रिप्लाई कर रहा है, बट उसका रीज़न क्या है वो जानने की कोशिश की आपने। इसका रीज़न ये है कि कोटेक्स पे रोज़ नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, इंडिया के लोग। इसका रीज़न ये है कि ओलिम्प और बायनामो से ज़्यादा प्रिफरेबल समझ रहे हैं कोटेक्स को, इसलिए वो कोटेक्स के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं सपोर्ट पे, और आ रहे हैं तो उन्हें नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई क्वेरीज आ रही है, नई नई वो आ रही है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। रिप्लाई सभी को मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, और वो धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचो ना, आप सोचो कि इनका सपोर्ट भी बिजी क्यों हुआ, जब आप लोगों के ओलिम्प और बायनामो सब छोड़ छाड़ के लोग कोटेक्स पे आ रहे हैं, और नए रोज़ लाखों करोड़ों लोग कोटेक्स पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये सोचो ना कि क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं कोटेक्स के पास, कुछ तो होगा अच्छा जो वो ओलिम्प और बायनामो को छोड़ के जा रहे हो। और सबसे बुरी चीज़ वो टर्नओवर वाली है यार गाइस, टर्नओवर कंप्लीट करते करते आप ही मुझे बताओ, टर्नओवर कंप्लीट करते करते आप कितने पैसे गवा चुके हो। आई नो बहुत सारे लोग ये वीडियो जो देख रहे हो अपने पैसे टर्नओवर के कारण गवा चुके होंगे, कमेंट करके जरूर बताना यार नीचे। तो एक और चीज़ ऐसी भी कही जा रही थी कि कोटेक्स बिना किसी वजह के अकाउंट ब्लॉक कर देता है। लेट मी क्लियर फ्यू थिंग्स गाइस, कोटेक्स अकाउंट ब्लॉक करता है, बट वो कब करता है, जब आप उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हार्म करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है गाइस कि लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और गलती कर बैठते उस चीज़ों में। तो मैं अगर आपको बात करूँ तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ये है कि पहली तो सेम नाम और सेम बैंक अकाउंट से एक से ज़्यादा अकाउंट ना बनाएं, और सेम फोन में एक से ज़्यादा अकाउंट्स ना रन करें। कि एक सपोज सिद्धांत का अकाउंट चालू है कोटेक्स का, वो एक फोन में चल रहा है, और उसको लॉग आउट करके वापस से एक नया अकाउंट जो पूरब के नाम से है वो लॉग इन करके वो चला रहे हैं, तो वो ना करेगा इस। एक और ये है कि एकदम से फुल अमाउंट लगाकर ट्रेड ना ले, पूरी की पूरी 100% अमाउंट यूज करके ट्रेड्स ना ले। और जो आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे लोग उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है बॉट्स और एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वो सब यूज़ ना करें कोटेक्स के ऊपर। खुद से ईमानदारी से ट्रेड करें, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें गाइस। ऑल्सो बिलो 18 के जो लोग हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो बिलो 18 के लोग बहुत सारे अपने अकाउंट्स अपने आधार कार्ड नंबर से लिंक कर देते हैं कोटेक्स के ऊपर, एंड इट इज़ क्लियरली मेंशन कि ट्रेडर्स बिलो 18 इज नॉट अलाउड ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ऑल्सो एक रीज़न है कि रिस्क फ्री कोड्स वगैरह मिलते हैं, उन्हें बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं अलग अलग तरीके से यूज़ करके, तो वो भी ना करें। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो अक्सर लोग ध्यान देना अवॉइड कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ों को अवॉइड ना करें और अच्छे से सेफली ट्रेड करें। साथ ही साथ यार, पैसे लेकर भी मुझे ऑफर आई है यार ऑनलाइन पर, उसे पैसे ले लो, पैसे लेकर हमारे बारे में अच्छी वीडियो बनाओ, बट वो पैसे भी मैं अवॉइड करके, पैसे को कैंसिल करके, उनसे पैसे ना लेकर भी मैंने ये सब छोड़ा यार। तो यहाँ तक ओलिम वालों ने ये भी बोला कि यार पैसे ले लो, हमारे बारे में अच्छा बोलो, पैसे मुझे पैसे भी दिया करते यार प्रमोशन के, वो फिर भी ये सब के बाद भी मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि एट दी एंड ऑफ द डे चेहरा दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आकर, आप लोगों से बात करता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल पर मेरी लाइव स्ट्रीम्स होती है, लोगों से मैं कनेक्ट करता हूँ, उनसे फेस टू फेस बात करता हूँ, तो ये सब चीज़ें करनी होती है। तो यार मैं, मुझे लंबा जाना है यार, लंबा जाना है, टिकना है, मुझे भरोसे वाली ऑडियंस चाहिए, मुझे अपनी ऑडियंस चाहिए जो जेन्युइन रहो मेरे साथ, जो मेरे साथ लॉयल हो। तो मैं बिल्कुल अभी नहीं चाहूँगा कि मैं फेक चीज़ें फैलाऊँ, क्योंकि मेरे खुद के ऑडियंस के बहुत सारे जो मेरे टेलीग्राम मेंबर्स थे, उनके अकाउंट्स उन्होंने बेवजह ब्लॉक कर दिए, उनसे मैंने बात किया तो देवर लाइक कि छोड़ो ना, कुछ नहीं होता है, उनकी गलती थी, छोड़ो, ऐसा ऐसा करते थे, मुझे मतलब उन्होंने अवॉइड किया बेसिकली, कि मेरा आंसर नहीं किया, हमेशा बात पलटने की कोशिश की, बट आज मुझे वो बंदे तो जवाब मांगते थे। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर किसी भी रिलेटेड डाउट रहे, कोई भी ब्रोकर के रिलेटेड डाउट रहे, मैं हमेशा सॉल्व करता हूँ। आपको भी कभी कुछ डाउट रहा तो मेरे टेलीग्राम आईडी यहाँ मेंशन है, कभी भी मैसेज करूँ गाइस, आपको बहुत जल्द से जल्द मैं मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बट वो लोग फिर वैसे ही होता था कि लोग मैसेज करते रहे, मुझे बहुत बुरा लगा। तो इनफैक्ट एट दी एंड ऑफ द डे मैंने खुद से उनके पैसे जो थे मैंने मेरे जेब से भरे और उनको दिया। तो यार वही है, बहुत सारी चीज़ें, फेक लोग हैं, एक साइड का बोल के चले जाएंगे, दूसरी साइड का किसी को सुनना नहीं है। मैंने इतने सारे प्रूफ वगैरह भी चिपका दिए आपके सामने, आपको देखना है वो भी देख सकते हो। और रही बात इनके सपोर्ट सिस्टम वगैरह की, तो इनके सपोर्ट सिस्टम वालों तो वो तो ठीक था, मैं इनके सपोर्ट सिस्टम को कॉन्टैक्ट किया था बायनामो के टाइम में, तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि वी हैव ब्लॉक्ड योर अकाउंट एंड फॉरगेट योर अकाउंट। भाई ऐसा कौन बोलता है फॉरगेट अकाउंट, पैसे होते हैं मेहनत की कमाई है, किसी का चोरी करके नहीं खा रहे,
तो ये चीज़ जब हो हमारे साथ तो हम मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही मैं चाहूँगा कि आप लोग बर्दाश्त करो करके। अब यहाँ पे रहेंगे कुछ लोग, किसी को शायद मेरी बातें ना पसंद आए, आई डोंट गिव अ फक, बट मैं मेरी ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ जो लोग को डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सुनते जाते हैं बाहर, उनको मन में डाउट आ जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑडियंस के मन में शक वगैरह आए। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ भी कमेंट करो, टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं हमेशा वहाँ पे हूँ। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपको भी मेरे सिग्नल्स वगैरह फॉलो करने हैं, मेरे साथ ट्रेड करना है, मेरे सिग्नल्स कॉपी करना है, मेरे साथ आगे बढ़ना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, पब्लिक ग्रुप में भी प्रोवाइड करता हूँ, यस पब्लिक ग्रुप में भी प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा किसी को कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो रिलेटेड एनी ब्रोकर एनीथिंग एनी इशू इसके रिलेटेड भी, या वीडियो के रिलेटेड, या फिर सामने वाले ने कुछ बात बोली उसको कन्फर्म करने के मेरे पास भी आपको अगर आके कुछ पूछना है, तो बिंदास टेलीग्राम आई डी आप मेंशन है, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है, लिंक पर क्लिक करो, अकाउंट एक बार ज्वाइन करके देखो, भले ही अच्छा ना लगा तो छोड़ देना बाद में, बट ज्वाइन करके देखो, बातचीत करके देखो, कुछ रहा कुछ भी रहा, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो को मैं एंड करने से पहले आप लोगों को यही बोलूंगा कि मैंने आज मेरे साइड का बोल दिया, उसने उसके साइड का बोल दिया, आगे और लोग आएंगे जो अपने अपने साइड्स का बोलेंगे, बट एट दी एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप लोग क्या चाहते हो और आप लोग ने क्या समझा, आपका खुद का एक्सपीरियंस, तो आप वही है, आप खुद भी ट्राई करके देखो, मेरी बात शायद किसी लोगों को झूठ लगे, ट्राई आउट करके देखो, कहीं ना कहीं सच्चाई की बात आपको समझ में आ जाएगी, बाकी जो भी है बाकी आप पर है। और इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहो यार, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सो दैट सही वीडियो भी लोगों तक पहुँच पाए, थैंक यू सो मच।